subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. अनुपम खेर एक ऐसा किरदार है जिसने हमेशा ही अपने फैंस को हंसाया है। अनुपम खेर की एक्टिंग हमेशा से ही दर्शकों ने पसंद की है, फिर चाहे वो इमोशनल हो, फनी हो या फिर कोई सीरियस किरदार हो, उन्होंने अपनी हर भूमिका को बखूबी निभाया है। तो अनुपम खेर से जुड़ा एक ऐसे ही किस्से का खुलासा हम आपके सामने करेंगे, जहाँ पर आपको खबर दें कि जिस दौरान हम आपके हैं कौन आई थी, उसी दौरान अनुपम खेर एक बीमारी से जूझ रहे थे। जी हाँ, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है और बताया है कि किस तरह से उस फिल्म के दौरान उनको एक गंभीर बीमारी ने अपनी गिरफ्त में लिया था। दरअसल अनुपम खेर को पैरालिसिस हो गया था और ये पैरालिसिस उनके फेस पर हुआ था, जिसका इफेक्ट उनके फेस पर बखूबी देखा जा रहा था। इतना ही नहीं, आपको बता दें जब ये मूवी आई थी, अनुपम खेर ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और अपनी बीमारी से लड़ते हुए शूटिंग को कंटिन्यू किया। बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान जब ये बीमारी आई थी, तभी शूटिंग रोकने की बातें भी हुई थी, लेकिन अनुपम खेर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि किस तरह से वो इस शूटिंग को कंटिन्यू करेंगे, फिर चाहे उनके फेस पर कोई भी इफेक्ट क्यों ना दिखे। यानी कि अनुपम खेर की इस दिलदारी को देखते हुए बताया जा सकता है कि किस तरह से वो एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक होनहार इंसान भी हैं। वेल, आपकी क्या राय है इस बारे में, अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल 24/7 ऑनलाइन न्यूज़। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.